नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश का अनुशीलन कर रहे थे, केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश से हम प्रारंभिक 5 अनुच्छेदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 6 अनुच्छेद से हमारी कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां केकई अपने कुकृत्यों पर, अपने द्वारा किए गए अपराध पर प्रायश्चित व्यक्त करते हुए राम को पुनः अयोध्या लौट चलने के लिए अनुनय विनय कर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। प्रस्तुत पंक्तियों की हम संदर्भ और प्रसंग की बात करें तो संदर्भ हमारा वही पूर्ववत रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के कई अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में केकई स्वयं के कुकृत्य पर प्रायश्चित करते हुए करुण स्वर में राम को पुनः अयोध्या लौट चलने के लिए विनती कर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, यहाँ प्रायश्चित व्यक्त करते हुए आत्मग्लानी से भरी हुई केकई स्वयं को ही इस अपराध के लिए दोषी मानते हुए कह रही है कि मंथरा क्या कर सकती थी। मंथरा तो एक साधारण दासी है, वह मेरे हृदय को मेरे मन को नहीं बदल सकती थी। वास्तव में तो मेरा ही मन अविश्वासी हो चला था, जिसके कारण मैंने यह अधर्म का रास्ता अपना लिया। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, हे मेरे अधीर अभागे मन। अपने अधीर अभागे मन को संबोधित करती हुई केकई कहती है कि हे मेरे अंतर्मन, मेरे शरीर में निवास करने वाले मेरे अंतर्मन, क्या तुम्हारे अंतर केवल ईर्ष्या और द्वेष से परिपूर्ण ज्वलंत भाव ही जगे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, अर्थात मंथरा कुछ नहीं कर सकती थी, ये ईर्ष्या और द्वेष से परिपूर्ण ज्वलंत भाव तुम ही में अपने आप जगे थे। और क्या मेरे हृदय में अपने ही मन को संबोधित करते हुए केकई कह रही है कि हे मन, क्या वह ज्वलंत भाव ही थे तुम्हारे अंदर, क्या इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, जो पुत्र के प्रति स्नेह है क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। मेरे हृदय के भीतर क्या केवल ईर्ष्या और द्वेष ही था, क्या पुत्र मोह नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पुत्र मोह के कारण ही मैंने यह सब अनर्थ कर दिया और वही पुत्र आज मुझसे पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, प्रायश्चित व्यक्त करती हुई केकई कहती है, मैंने जो कुकृत्य किया है उस अपराध के लिए तीनों लोक, पृथ्वी आकाश और पाताल मुझे अवश्य ही धिक्कारे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। मेरे विरुद्ध जो कोई जो भी कहना चाहता है कहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं क्या तुझसे और क्या तुझसे। यहाँ केकई को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसे सारा संसार धिक्कार रहा है, उसे यह धिक्कारना स्वीकार है क्योंकि वह स्वयं को दोषी मान रही है, किंतु वह एक ही विनती राम से कर रही है कि वह अपने पुत्र भरत के मात्र पद की अधिकारिणी बन ही रहना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि भरत की माँ बनने का अधिकार उससे छीन लिया जाए। तो वह राम को कहती है कि मैं और किस दैन्य स्वर में तुमसे यह याचना करूँ कि अब मेरी त्रुटि को क्षमा करते हुए तुम घर लौट चलो। तुम मैंने पुत्र मोह के कारण ही यह किया, उसी भरत की दुहाई देते हुए मैं तुम्हें घर लौटने के लिए अनुग्रह कर रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के भाव पक्ष की बात करें तो भाव पक्ष में हम वही पूर्ववत चल रहा है। यहाँ हमें केकई का प्रायश्चित और केकई के हृदय की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है। कला पक्ष की अगर हम बात करें तो वही भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है और भाषा का अर्थ हमें बहुत ही आसानी से सहज ही समझ आ रहा है, अतः गुण प्रसाद है। छंद यहाँ पर मदाक्रांता है।
कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। प्रस्तुत काव्यांश में केकई अपनी अनुनय विनय को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रायश्चित आत्मग्लानी में पुनः कह रही है कि अभी तक मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र को पुत्र हो सकता है किंतु माता को माता नहीं हो सकती, किंतु विधाता के इस विधान के विरुद्ध मैंने ऐसा अधर्म कर दिया, ऐसा अनिष्ट कर दिया कि अब तो यही कहावत चलेगी कि पुत्र ने तो पुत्र का धर्म निभाया किंतु माता ही माता नहीं रही बल्कि माता ही कुमाता बन गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा, के कई ने जो अनिष्ट किया, जो अपराध किया, उसके दोषी तो वह स्वयं को मान रही है किंतु अपने समर्थन में वह कह रही है कि यह सारा कार्य मैंने पुत्र मोह में कर दिया, यह कुकृत्य मैंने पुत्र मोह में किया, मैंने इसके मृदुल गात्र केवल कोमल शरीर को ही देखा, उस कोमल शरीर के भीतर स्थित दृढ़ हृदय को मैं नहीं देख पाई, परमार्थ ने देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे स्वार्थ ने आघेरा और मैं परमार्थ के बारे में सोच ही न पाई, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण उसी महास्वार्थ के कारण आज यह स्थिति हो गई है कि मैं अपने पति को खो चुकी हूँ और अपने पुत्र भी मुझसे पराया होता जा रहा है और यह सब सहन करने को मैं विवश हूँ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। प्रस्तुत पंक्तियों में केकई कह रही है कि अब तो युगों युगों तक यही कठोर कहानी सुनने को मिलेगी कि रघुवंश में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी कि उसने अधर्म के रास्ते पर चलते हुए पूरे वंश का ही विनाश कर दिया। भाव पक्ष वही है, केकई का प्रायश्चित देखने को मिल रहा है, कला पक्ष के अंतर्गत वही भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, छंद मंदा क्रांता गुण प्रसाद है। अलंकारों की हम बात करें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार देखने को मिल रहा है और हमें काव्यलिंग अलंकार के भी दर्शन हो रहे हैं। काव्यलिंग अलंकार विद्यार्थियों वहाँ होता है जहाँ लिंग सहित अर्थात कारण सहित किसी सिद्धांत या कथन का प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ केकई स्वयं को अपराधी मान रही है और इस कुकृत्य इस अनिष्ट के पीछे स्वयं को ही दोषी मान रही है, किंतु वह इसका कारण भी बता रही है कि उसे स्वार्थ ने आघेरा था, उसने पुत्र मोह में पुत्र के कोमल शरीर को ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई और इसी कारण उससे यह अनिष्ट कार्य हो गया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सो बार धन्य वह एक लाल की माई, हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। के कई दैन्य स्वर में अनुनय विनय करते हुए प्रायश्चित व्यक्त करते हुए कह रही है कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा को यही सुनना पड़ेगा कि उसे महास्वार्थ ने घेर लिया था और ऐसी कुमाता को धिक्कार है। सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। केकई के इस परिवर्तित हृदय को, इस प्रायश्चित को देखते हुए प्रभु राम के साथ संपूर्ण सभासद एक स्वर में चिल्लाते हैं कि जिसने भरत जैसे रत्न को जन्म दिया उस भरत की माँ सो बार धन्य है, सो बार धन्य वह एक लाल की माई। पूरी सभा प्रभु राम के साथ पागलों की तरह एक ही स्वर में चिल्ला रही है कि नहीं, अर्थात यहाँ पर वह केकई को इस अपराध के लिए क्षमा करते हुए कहते हैं कि जिस केकई ने भरत जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है वह माँ तो सो बार धन्य है।
केकई इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहती है, हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने कि जिस पुत्र की माँ होने के कारण मैं सो बार धन्य हूँ, उस पुत्र को भी आज मैं खो चुकी हूँ। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, इस प्रकार जो अधर्म के रास्ते पर चलते हुए मैंने अनिष्ट कर दिया है, उसके कारण तो मैंने संसार में यह भयानक अपयश ही कमाया है। भाव पक्ष वही है, यहाँ पर हमें केकई का प्रायश्चित तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ चित्रकूट की सभा में उपस्थित सभी विद्वानजनों के द्वारा, सज्जन प्रबुद्ध जनों के द्वारा केकई को क्षमा भी कर दिया गया है। यहाँ हम बात करें कला पक्ष की, तो कला पक्ष के अंतर्गत भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, रस यहाँ हमें करुण रस के ही दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि हमें दैन्य स्वर में केकई का प्रायश्चित देखने को मिल रहा है। गुण प्रसाद है, छंद मंदाक्रांता ही चल रहा है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है, सॉरी कौन दंड है मेरा, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वपन में मद में। प्रस्तुत पंक्तियों में जहां चित्रकूट की सभा के द्वारा प्रभु राम के द्वारा माता केकई को उनके कुकृत्य के लिए क्षमा कर दिया गया है, उसी क्रम में आगे केकई कह रही है कि मैंने अपना संपूर्ण स्वर्ग उसी पुत्र भरत पर न्योछावर कर दिया था, यहाँ तक कि पुत्र मोह में मैंने तुमसे, हे राम, तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, धृत हरिण तुल्य अर्थात पकड़े हुए हिरण की समान। तो यहाँ केकई कह रही है कि जिस भरत के लिए मैंने यह सारा किया, वही भरत आज दीनहीन स्थिति में क्रंदन कर रहा है, और उसकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी पकड़े हुए हिरण के समान वह भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड अर्थात चंदन, अंगार चंड दहकते हुए अंगारे। भरत जो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला है, वही शीतल स्वभाव वाला चंदन आज दहकते हुए अंगारों के समान प्रचंड बन गया है, तो इससे बढ़कर मुझे अपने इस कुकृत्य के लिए क्या दंड मिलेगा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने अपने हाथ पैरों को पुत्र मोह की नदी में पटक दिया था, जन क्या क्या करते नहीं स्वपन में मद में। आगे केकई कह रही है कि लोग पागलपन में और स्वपन में न जाने क्या क्या अनुचित कार्य कर बैठते हैं, अर्थात मैंने भी पुत्र मोह में यह अनुचित कार्य कर दिया, तो इसे मेरा पागलपन या स्वपन समझकर सबके द्वारा विसार दिया जाए और मुझे मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा कर दिया जाए, और हे प्रभु राम, तुम वापस मेरे साथ अयोध्या लौट चलो। भाव पक्ष की बात करें तो वही हमें माँ केकई का प्रायश्चित देखने को मिल रहा है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, गुण प्रसाद है, रस करुण है। अलंकारों की बात करें तो यहाँ हमें अलंकार देखिए, धृत हरिण तुल्य उपमा अलंकार के दर्शन हो रहे हैं कि पकड़े हुए हिरण के समान। पद पाणि मोह, प्रस्तुत पंक्ति में हमें पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में रूपक अलंकार के दर्शन हो रहे हैं। रूपक अलंकार जहां हमें उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप देखने को मिलता है, वहां रूपक अलंकार होता है, तो यहां मोह पर नदी का आरोप किया गया है। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। प्रस्तुत पंक्तियों में केकई जो अभी तक दीन दैन्य करुणा से भरी हुई, आत्मग्लानि से भरी हुई करुण स्वर में अनुनय विनय कर रही है, इसी क्रम में केकई आगे कह रही है कि मैं जो दैन्य वाणी में दैन्य स्वर में यह
बात रख रही हूँ, अनुनय विनय कर रही हूँ, तो इससे के द्वारा यह अर्थ ना लिया जाए कि मैं दंड से डर रही हूँ, अर्थात मुझे कोई भी दंड दे दिया जाए जो मैंने कुकृत्य या अपराध किया है, मुझे वह दंड स्वीकार है। मैं दंड से डर कर इस दीन स्वर में याचना नहीं कर रही हूँ। आज दया, घृणा, करुणा सभी अपना अर्थ खो चुके हैं। वैतरणी सी है, वैतरणी यहाँ पर नर्क की एक दूषित कल्पित नदी का नाम है। वरुणा यहाँ वाराणसी में बहने वाली एक गंगा नदी की एक सहायक नदी का नाम है। तो यहाँ केकई कह रही है कि आज मेरी स्थिति तो यह हो गई है कि गंगा और वरुणा जैसी पावन पवित्र नदियाँ भी मुझे वैतरणी के समान दूषित लग रही है। सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी, इस सभा में आसीन, सभा में विराजमान सभी सज्जन और प्रबुद्ध जन सुन ले कि मैं लंबी अवधि तक नरक में रह सकती हूँ, मुझे वह दंड स्वीकार है, किंतु मेरी इस दैन्यवाणी को दया की याचना ना समझा जाए और मुझे स्वर्ग की दया नहीं दी जाए, क्योंकि वह स्वर्ग तो मुझे नरक से भी अधिक भारी प्रतीत होगा। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। राम को संबोधित करते हुए केकई कह रही है कि मैंने अपने वज्र के समान कठोर हृदय से इस पुत्र भरत के प्रेम के कारण ही तुम्हें वनवास दिलाया था। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अभियों, तो अब तुम इसी भरत के लिए ही घर लौट चलो, मुझसे अब और अधिक ना रूठे रहो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मेरे मन में बहुत से विचार चल रहे हैं, मैं सब कहना चाहती हूँ किंतु सब लोग उस बात को क्यों सुनेंगे, क्यों मेरा अब विश्वास करेंगे। तो अतः तुमसे यही निवेदन है कि मैं भरत की दुहाई देकर तुमसे विनती कर रही हूँ कि तुम अब वापस घर को लौट चलो। प्रस्तुत पंक्तियों में भाव पक्ष हमारा वही है, केकई का प्रायश्चित, केकई के हृदय की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है। रस यहाँ पर हमें करुणा रस के ही दर्शन हो रहे हैं। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा वही परिष्कृत खड़ी बोली है, करुण रस है, मंदाक्रांता छंद चल रहा है, प्रसाद गुण है। अलंकारों में हमें यहाँ उपमा अलंकार के दर्शन हो रहे हैं, कुलिश कठोर कलेजा अनुप्रास का भी दर्शन हो रहे हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, तो हे राम इस हिसाब से तुम मेरे दोगुने प्रिय हो गए, तो अब तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं अपने पुत्र भरत के हृदय की बात को नहीं जान पाई, किंतु राम तुम तो भरत के हृदय की सभी बातों को जानते हो और तुमने हमेशा ही भरत को अपने से पहले अधिक मान दिया है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, आज इस चित्रकूट की सभा में तुम दोनों भाइयों का अटूट आत्मीय प्रेम जिस प्रकार प्रकट हुआ है, जिस प्रकार सबके सामने आया है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मैंने जो भी पाप किए हैं वह उन पापों का दोष भी, उन पापों को करके भी आज मैं पुण्य दोष है मेरा, सभी पापों का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणित हो गया है। मैं रहूं पंकिला, पंकिला अर्थात कीचड़ से सनी हुई, पद्मकोश है मेरा, पद्म अर्थात कमल, मैं यद्यपि कीचड़ सदृश हूँ किंतु कीचड़ सदृश होने पर भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने मेरे गर्भ से कमल रूपी भरत रत्न को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। कालांतर में भविष्य में जो भी ज्ञानी प्रबुद्ध जन होंगे वह अनेक उदाहरण दे देकर तुम दोनों भाइयों के आत्मीय प्रेम की चर्चा करेंगे और करना चाहिए भी। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, किंतु मेरा अधीर हृदय, धैर्यहीन हृदय उन तर्क वितर्कों को, उन युक्तियों को क्या जानेगा। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मेरे दोनों ही पुत्र मेरी आंखों के सम्मुख मेरे सामने बने रहे। मेरा अधीर हृदय आज भुजाएं खोलकर तुम दोनों को भेंटना चाह रहा है। भाव पक्ष की बात करें तो हमें प्रस्तुत पंक्तियों में वही केकई का दैन्य स्वर सुनने को मिल रहा है, केकई का परिवर्तित हृदय और उसकी प्रायश्चित देखने को मिल रहा है।
भाषा वही परिष्कृत खड़ी बोली है, संस्कृत निज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ हमें करुण रस के स्थान पर वात्सल्य रस के अधिक दर्शन हो रहे हैं। गुण यहाँ भी प्रसाद ही है, छंद यहाँ भी मदाक्रांता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। हमारी अगली कक्षा में हम हमारे अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।